Health Club and IQAC cell of Sai College Bhilai in collaboration with Government VYTPG College Durg, Government Naveen College Bori and Dev Sanskriti College Junwani Bhilai. To begin this program, I would like to request our guest sitting on the dais to enlighten the lamp in front of Goddess Saraswati. Sir, ma'am, please. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Rekha, ma'am. Medicines cure disease, but only doctor can cure patients. By saying this, we have Dr. Sanjay Goyal sir with us, who doesn't require an introduction. Sir has given immense effort and his services selflessly during the time of COVID, not only in Durg but all over Chhattisgarh. We all are very grateful to you, sir. Thank you for being our nation's guiding light at the time of diversity. Dr. Sanjay Goyal sir, MBBS, MD, Anesthesiology, Spursh Multi-Speciality Hospital. And we have another guest, Dr. Samir Kathale sir, MBBS, DNB, Radio Diagnosis, MNMs, Consultant and Radiologist from Spursh Multi-Speciality Hospital. Not here, but we have virtually Dr. Suchitra Sharma ma'am from VYTPG College Durg, Assistant Professor from Sociology Department, Dr. Meena Chakrabarti ma'am from NEC Coordinator from Naveen College Bori, Mrs. Mamta Dubey ma'am from Dev Sanskriti College Junwani Bhilai. Stress is a natural feeling, not being able to cope with specific demands and events. And these demands come from work, relationship, financial pressure, and other situations.
But anything that poses a real or perceived challenge or threat to a person's well-being can cause stress. The ability to manage your stress is an important skill to have, as stress can negatively impact a host of different areas in your life, including work, relationship, health, and body functioning. Today, we have gathered here. और कि हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट इसलिए हैं कि हम स्ट्रेस कैसे मैनेज करें, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो हर एज के लोगों को होता है. इनफैक्ट मतलब आप बोलेंगे तो माइनर एज के जो लोग हैं, 15-16 साल के लोग, उनमें भी स्ट्रेस देखा गया है. ज्यादा एजेड जो लोग हैं उनमें भी स्ट्रेस देखा गया है. और आपके जो युवा वर्ग है उनमें सबसे ज्यादा आज के डेट में स्ट्रेस देखा गया है. आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप में कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकें. इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर डीबी तिवारी सर को इनवाइट करूंगी कि वे कुछ दो शब्द कहें. सम्माननीय डॉक्टर गोयल, महिमा जी आप डिप्टी डायरेक्टर, मेरे सभी सम्माननीय अध्यापकगण, प्रिय छात्र एवं छात्रा, आज हम सबका सौभाग्य है कि जिस विषय पर आज हमारे विषय विशेषज्ञ चर्चा करेंगे उसकी महती आवश्यकता, खासकर आज का जो युवा वर्ग है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है हर बात पे. मैं डेली अप डाउन करता हूँ कि बच्चे साथ में भी आते हैं, मैं देखता हूँ कि बिल्कुल टाइम पे वो स्टेशन आते हैं. कभी ऐसा होता है कि ट्रेन आके खड़ी हो जाती है और लौटते लौटते जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होगा एक बार गाड़ी छूट जाए फिर इतना परेशान हो कि सीट पे बैठने लगता है कि और कर क्या रहते थे. यहाँ से कॉलेज की छुट्टी हो जाती है 4 बजे, ट्रेन का टाइम है 5 बजे, मगर पहुंचेंगे बिल्कुल 5 बजे पहुंचेंगे, ट्रेन आने रहे फिर वो बहुत परेशान होते हैं. स्ट्रेस आज आप देखें कि दबाव के कारण या हमारी जो लाइफ स्टाइल है, पहले के लोग कहा करते थे ट्रेन के 10 मिनट पहले पहुंचे स्टेशन, मगर आज का युवा वर्ग बिल्कुल टाइम पे पहुंचता है, चाहे वो एग्जाम हो. एग्जाम में भी हम लोग देखते हैं बिल्कुल 7 बजे एग्जाम है तो 7 बजे ही पहुंचेंगे, फिर उसके बाद पता चलता है कि वो ट्रेन लेके नहीं आए तो एडमिट कार्ड भूल गए तो फिर तत्काल एडमिट कार्ड बनाना है. तो इस तरह से टाइम जो है उनका खराब होता है और वो टेंशन में आ जाते हैं, पता नहीं आगे क्या लिखते हैं. वो तो जांचने वाला बताएगा, मुझे बताता. इसलिए हम समय को मैनेज करें और आज का जो लाइफ स्टाइल है आप सब देख रहे हैं, हमारा जो खान पान है वो भी काफी चेंज हो गया है. कारण है कि हर चीज हर मौसम में मिल जा रहा है, उसको बहुत आइडिया तो नहीं, मगर कहते हैं कि पालक यदि ठंड में आती है तो ठंड में खाने का उसका जो फायदा है वो शायद गर्मी में खाने पर नहीं होता है, मगर गर्मी में भी उसका उतना ही उपयोग होता है कि पालक पनीर बड़े मजे से खाते हैं. डॉक्टर साहब लोग सामने हैं, उनके सामने में कोई बात को लेकर तो बहुत छोटी बात होगी मेरे लिए. मैं जो साइकोलॉजी कुछ समझता हूँ कि स्ट्रेस क्यों आज हो रहा है उस पर 5 मिनट चर्चा करूँगा. देखते हैं कि एक तो मनोरंजन का साधन जो है बड़ा सीमित होते जा रहा है. पहले हम देखते थे कि हम फिल्म देखने जाते थे और आखिरी में जब फिल्म समाप्त होने को होता था विलियन की बड़ी पिटाई होती थी और हम बड़े खुश होते थे. कई बार तो स्थिति होती थी तब तो थिएटर चलते थे, आजकल बच्चे तो थिएटर भी नहीं देखे होंगे क्योंकि सब चीज मोबाइल में आ गया है.
तो घर में ही सब होने लगा है। तो लोग जो है बेंच पे खड़े हो जाते थे, बोले और मारो और मारो। क्यों? कि जो चीज हम हमारे दिमाग में जो चीज रहता है, जो गुस्सा रहता है, वो हम कहीं निकाल नहीं पाते हैं। तो कोई दूसरा करता है तो देख के खुश होते थे और रिलैक्स हो जाते थे कि चलो बोले ये गलत किया तो इसको सजा मिली। बहुएं जो है सामाजिक फिल्म देखती थी, सास की आंखें में पता चलता है कि काफी लोग उपहास करते थे, खुश हो जाती थी और स्ट्रेसलेस हो जाती थी। आजकल वो सब चीजें अब देखने को नहीं मिलती, फिल्में नहीं है, मनोरंजन के साधन का अभाव है, परिवार जो है छोटा होते जा रहा है। वो भी एक कारण है कि हम जो है स्ट्रेस में रहते हैं, कि बहुत सारी चीजें जो है जो हम मिल बांट कर परिवार से बुजुर्गों से सीखते थे, वो सब चीजें नहीं मिल रही हैं। वो भी एक कारण है। लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो गया है और मैं समय ना लेते हुए हमारे बीच जो विशेषज्ञ आए हुए हैं स्ट्रेस को लेके चर्चा करने के लिए, उन्हें सुनना चाहेंगे। मैं एक बार महाविद्यालय परिवार की ओर से उन सबका तहे दिल से आभारी हूँ जिन्होंने अपने कीमती समय में कुछ समय महाविद्यालय के लिए निकाला, क्योंकि ये बात तय है कि आदरणीय डॉक्टर संजय गोयल सर और डॉक्टर सब जो आए हैं उनका नाम, उनकी व्यस्तता आप सब जानते हैं। कोविड काल में उन्होंने जो कार्य किया है वो सदैव हम सबके लिए स्मरणीय रहेगा। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सर जो टिप्स दें, खासकर युवा वर्ग, उस टिप्स का पालन करें, आप लाइफ में कभी स्ट्रेस महसूस नहीं करेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, sir. By following the tradition of Atithi Devo Bhav, I would like to request our Deputy Director, ma'am, Dr. Mamta Singh, ma'am, to welcome Dr. Sanjay Goyal, sir, by presenting flowers. Thank you, ma'am. For to welcome Dr. Sameer Kathale, sir, I would request Dr. D.B. Tiwari, sir, to present flowers. Thank you, sir. To present flower to Mrs. Sanswati Kathale, I would like to request Mrs. Sonal Khandelwal, Dean, Science Department. Thank you, ma'am. Right now, we are facing the biggest pandemic of the era, that is COVID-19. And we are here, healthy, sitting in front of each other and talking to each other. And the whole credit behind these goes to the heroes among us, the doctors. And we have with us Dr. Sameer Kathale, sir, and Dr. Sanjay Goyal, sir. It's an honor to have you here, sir. तो आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए, आज के स्पीच के लिए मैं डॉक्टर समीर कठाले सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। Thank you.
मैं पेन ड्राइव में दे देता हूँ, तो यहाँ भी रहेगा वहाँ भी रहेगा। Good afternoon, everyone. Devi or Sajjanu. First of all, I would like to thank Sai College, Dr. Tiwari sir, Dr. Vishwakarma sir, Dr. Siddiqui, and our chairman, Mr. Sachdev, Dr. Mamta Singh madam, and Dr. Sanjay Goel sir also. इन्होंने मुझे एक मौका दिया यहाँ पे आपके सामने उपस्थित होकर स्ट्रेस मैनेजमेंट टॉपिक पे बात करने का। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा। अब आप सोच रहे होंगे बधाई किस बात की। मैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी, ईच एंड एवरी पर्सन आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट। रीजन बीइंग आप सब ने, हम सब ने पिछले 24 महीनों में लगभग 2 साल एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, बहुत बड़ी लड़ाई
और ये लड़ाई मेरे हिसाब से अभी तक अब हम सबके जीवन की सबसे लंबी लड़ाई। इसके पहले ना मैं ना आप कभी किसी ने इस तरह का एक जंग जिसको कह सकते हैं वो हमने लड़ी है। और आपको खुशी होगी ये जानकर कि ये जंग हम लोग लगभग जीतने वाले, लगभग सरकारी आंकड़ों के थ्रू, WHO की वर्ल्ड रिपोर्ट के थ्रू आप पता कर सकते हैं कोरोना इज गोइंग टू एंड वेरी सून। लगभग 90 करोड़ के ऊपर पॉपुलेशन इंडिया वैक्सीनेटेड, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। वर्ल्ड में शुरू में बहुत मजाक उड़ाया गया था इंडिया का कि ये इतना गरीब देश है कैसे पॉसिबल होगा, बट ये पॉसिबल हुआ आप सबके सहयोग से, आप सबकी सूझबूझ से। आज हम इस मौके पे मुकाम पे पहुंचे हैं कि हम इस बड़े से हॉल में इतने सारे लोग एक साथ बैठे। लगभग 2 साल पहले इतना पैनिक था कि लोग घर वालों से मिलने में, रिश्तेदारों के यहाँ जाने में डरा करते थे, पता नहीं क्या हो जाए। और ये लड़ाई इसलिए भी इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो दुश्मन है जिसको हम COVID-19 के नाम से जानते हैं, ये अदृश्य दुश्मन, एक ऐसा दुश्मन जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पता नहीं कब कहां से किसको हो जाए और हम उसके मैनिफेस्टेशन, उसके सिम्टम्स हमें 7 दिन बाद पता चलते हैं। तब तक हम पता नहीं कितने लोगों के कॉन्टैक्ट में आ जाए। आप ट्रेन में नहीं जा सकते थे, आप बसेस में ट्रेवल नहीं कर सकते। एक ऐसा दुश्मन जिसको हम ना जानते हैं, ना हमने उसको देखा ना सुना, उससे लड़ाई लड़ना एक बहुत बहुत मुश्किल काम, बहुत ही मुश्किल काम है। एंड मैं खुशनसीब समझूंगा अपने आप को कि हम एक कोरोना वॉरियर की तरह काम कर सके पिछले 2 सालों में, जिसमें मैं अपने आप को और भी सौभाग्यशाली समझूंगा कि मैं स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ पिछले 4-5 सालों से। डॉक्टर संजय गोयल सर जो डायरेक्टर हैं, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं, कोविड इंचार्ज हैं, इन्होंने पिछले 24 महीनों में न जाने कितनी रातें हॉस्पिटल में बिताई हैं, ये हमसे अच्छा और कोई नहीं। सर वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। हम लोग लगभग 9-10 बजे रात को अपना अपना काम खत्म करके चले जाते थे। सर का जो आखिरी राउंड होता था वो 12-12:30 बजे रात को होता था। 12-12:30 बजे जाने के बाद सर डिनर करते होंगे, थोड़ा रेस्ट करते होंगे, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे। अचानक से सर को फोन आता होगा 1-2 बजे एक और कोविड पेशेंट आ गया जो कि सीरियस है। सर ने पिछले 2 सालों में इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, ईच एंड एवरी हॉस्पिटल स्टाफ, ईच एंड एवरी डॉक्टर ऑफ आवर हॉस्पिटल, ईच एंड एवरी कोरोना वॉरियर ऑफ आवर कंट्री। आई इंक्लूड ऑल ऑफ यू ऑल्सो इन कोरोना वॉरियर, बिकॉज आप लोग अगर हेलो, आप लोग अगर सूझबूझ के साथ काम नहीं लेते, आपके परिवार आपके साथ नहीं होते, आप अपने परिवार वालों के साथ नहीं होते, तो आज हम इस तरह आराम से नहीं बैठ रहे हो। तो मैं इसलिए आप सबको फिर से एक बार बधाई देना चाहूंगा कि हम लोगों ने वर्ल्ड में सबसे कम मोर्टेलिटी पे, सबसे हाई एफिकेसी रेट ऑफ वर्किंग पे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैक्सीन प्रोड्यूस करके एंड सबसे लीस्ट मॉर्बिडिटी के साथ हम कोविड को ओवरकम करने में ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हुए। एंड विद इन कमिंग आई थिंक 4-5 months वी विल बी ऑलमोस्ट एलिमिनेटिंग, नॉट एग्जैक्टली एलिमिनेटिंग, इट विल बी एलिमिनेटिंग एज एन एंडेमिक। हम ऑलमोस्ट जीत चुके होंगे कोरोना से, तो आई थिंक ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। तो एक काम हम शुरू करते हैं, आज का टॉपिक आप सबको पता ही है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैं आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा नया नहीं बताने वाला हूँ। आप अपनी लाइफ में आज तक जो जर्नी करके आए, यू हैव ऑलरेडी ओवरकम मोस्ट ऑफ द स्ट्रेसेस योरसेल्फ। हर एक इंसान इस हॉल में बैठा हुआ या मुझे जो सुन रहे हैं, दे ऑल नो टू अ सम एक्सटेंट हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस।
हम लोग जस्ट अपने इनर सेल्फ को ब्रश अप करेंगे एंड जो चीजें हम रूटीन लाइफ में नजरअंदाज कर देते हैं, तो बीइंग एज अ डॉक्टर मी एंड डॉक्टर संजय गोयल हम लोग उसको थोड़ा सा वर्कअप करेंगे. स्ट्रेस एक ऐसा वर्ड है जिसको सुन के ही स्ट्रेस हो जाता है. कुछ शब्द होते हैं ऐसे हिंदी में, अंग्रेजी में, अन्य भाषाओं में, जिनका मन मानसिक तौर पे इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि वो शब्द सुन के ही हमें उसका एहसास होने लगता है. तो वैसे ही स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन जो कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट लाइफ में मिलती है, जो आप लोग अभी अनुभव कर रहे हैं, तो उनमें से स्ट्रेस भी एक ऐसा ही शब्द है जिसको सुन के ही स्ट्रेस होता है. कोई आपको आके बोल दे यार आज तो बहुत स्ट्रेस हुआ, दिन भर बहुत स्ट्रेस हुआ, आप खुश मूड में भी होंगे तो भी आपको लगेगा कुछ तो हुआ होगा, तभी यह स्ट्रेस. ठीक है, डिग्री ऑफ स्ट्रेस डिपेंड्स डिफरेंटली फॉर एवरीवन. जो स्ट्रेस आपको फील हो रहा होगा वो जरूरी नहीं कि सामने वाले को या आपके फ्रेंड को फील हो. किसी को एग्जाम फोबिया होता है, किसी के लिए एग्जाम बहुत इजी होती है. मुझे भी एग्जाम फोबिया था बचपन में, इवन MBBS तक मुझे एग्जाम फोबिया था. पढ़ता बहुत था, आता चीजें आती थी, ऐसा नहीं कि नहीं आती, बट स्ट्रेस होता था एग्जाम में. धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते समझा, सीखा कैसे ओवरकम किया जाए और इस तरह थोड़ा सा अपने अपने स्ट्रेस को कम करते हुए आज यहाँ. तो बेसिकली स्ट्रेस होता क्या है, जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि स्ट्रेस इज सम डिस्कम्फर्ट एंड सम काइंड ऑफ एंग्जाइटी विच इज इनबिल्ट. तो स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज एनी टाइप ऑफ चेंज दैट कॉजेस फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेन. इट्स जस्ट अ फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेन. स्ट्रेस जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डिग्री ऑफ स्ट्रेस डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल पर्सन. Stress is nothing, just a body's response to anything that requires your attention or action. Again, the same thing, it depends upon the degree of response and the severity of response and the time taken for anyone to react against that unwanted situation decides the amount of stress which you are feeling. There are many synonyms. What I said, clear? अच्छा, thank you. It is basically the anxiety. Different synonyms are there for stress, like anxiety, burden, pressure, effort, exertion, struggle, strain, etc. PPT मैंने pen drive दी है. हाँ, मैडम को दी है मैंने. हाँ, वहां से डिस्प्ले करवा, कोई इशू नहीं. ठीक है, दिख रहा है उसमें पीपीटी में. बच्चों की साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एक हिंदी में कहावत है, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो उसमें पार्टिसिपेट करो या रन अवे हो जाओ, भाग लो या भाग लो.
दो ही रास्ते हैं किसी भी सिचुएशन से, एनी सिचुएशन इन योर लाइफ, आप बचपन से लेकर अभी तक जवानी बुढ़ापे, जब भी आप उस सिचुएशन को फेस करेंगे दो ही रास्ते होंगे, या तो भाग लो या भाग लो, दैट इज फाइट और फ्लाइट। सो बेटर सिचुएशन नहीं है तो व्हाई नॉट फाइट। फाइट में कम से कम 50% चांसेस तो होंगे जीतने के, फ्लाइट में तो 0% चांसेस। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपको फेस करना है या कुछ करियर गेन करना है तो किसी को पायलट बनना है, किसी को इंजीनियर, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, जब तक उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेस नहीं हो, अपीयर नहीं होंगे, फेस नहीं करेंगे, तब तक तो वो करियर शुरू ही नहीं होगा। सो व्हाई नॉट टू फाइट अगेंस्ट दैट सिचुएशन। इट्स ऑलवेज बेटर टू एंटर इनटू दैट सिचुएशन टू विन दैट सिचुएशन। एटलीस्ट एट इन द मिडस्ट ऑफ द सिचुएशन यू विल बी फीलिंग 50-50 चांसेस ऑफ विन। 0% इज बेटर दैन 50%। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल, सोशल, टाइम रिलेटेड स्ट्रेस। सर ने बहुत अच्छी बात बोली अपने वाक्य में कि टाइम, जो बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते उनको बहुत स्ट्रेस होता है। सर ये बहुत बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात बोली। स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है टाइम रिलेटेड स्ट्रेस। टाइम मैनेजमेंट अल्टीमेटली, मतलब मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम अल्टीमेटली लीड्स टू स्ट्रेस। देयर आर n नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ देम। कोविड टाइम्स में बहुत सारे लोगों की जॉब, बहुत सारे अर्निंग मेंबर्स फैमिली के वो सकम हुए। कुछ लोग अब काम करने की कंडीशन में नहीं है, जो सोल वो अर्निंग मेंबर्स थे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हमने देखा है, सर ने भी देखा है। कई पेशेंट्स ऐसे थे जो एडमिट हो जाते थे और ट्रीटमेंट के दौरान उनके पास पैसों की सीवियर कमी होती थी बहुत ज़्यादा। उस समय सर ने पूरा दारोमदार डॉक्टर संजय गोयल सर ने अपने कंधों पर लिया, पहले पेशेंट ठीक हो जाए उसके बाद पैसे की बात। सर ये बहुत बड़ी उपलब्धि कहता हूँ मैं इस स्पर्श हॉस्पिटल की, और बहुत सारे और भी हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा के इस कोविड को ओवरकम किया है। किसी के ऊपर कोविड टाइम्स में और वो सभी टीचिंग स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ, आर्मी पर्सन को, पुलिस मैन को, तो इन सब चीजों की वजह से स्ट्रेस हुआ है। सोशल स्ट्रेस, अगेन सोशल स्ट्रेस वही जो मैंने कहा था कि हम हमारे पीयर फ्रेंड्स के पीयर को मिल नहीं पा रहे हैं, हम हमारे रिलेटिव्स के घर नहीं जा पा रहे। मुझे अच्छे से याद है अभी मेरे घर से हार्डली 100 मीटर की दूरी पे मेरे मामा जी का घर था, मैं साल भर से उनके घर नहीं गया। डर इस बात का था कि मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ लगभग 12 से 14 घंटा, कहीं मुझे इन्फेक्शन हुआ तो वो तो एल्डरली पीपल उनको क्यों नुकसान पहुंचा। तो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करते थे। टेक्नोलॉजी में काफी विकास हुआ है सर पिछले 2 सालों में, जो हम लोग एक मुझे मेरी वाइफ है, शी इज एन इंजीनियर, तो वो कहती है कि हम लोग ऑलमोस्ट 10 ईयर्स आगे आ चुके हैं इन लास्ट 2 ईयर्स में। जो डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग शायद धीरे धीरे ट्रेवल करते, वो पिछले 2 सालों में हम लोगों ने आगे आए हैं। There are different causes of stress. People around you, जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि stress का कोई नाम लेता है तो stress हो जाता है। Try to surround yourself with positive people. ठीक है, या कोई negative बात कर रहा है तो try to motivate him or her कि कोई बात नहीं, situation बदलेगी, positivity आएगी। आप उसको 4 बार अगर ये बात बोलेंगे ना तो 5वीं बार वो आपके सामने negative बात करने के पहले 10 बार सोचेगा। It's a practically approved, tested task. I have done it for myself. जब हम एग्जाम देते थे कॉलेज में हुआ करते थे तो थोड़ी सी जेलसी भी रहती है स्टूडेंट्स में, किसी को पर्टिकुलरली मीन नहीं करना चाहूँगा। आपसे आगे जो बंदा है, बंदी रहती है, वो आपको भले कितना भी अच्छा दोस्त हो, सहेली हो, कहीं ना कहीं जेलसी की फीलिंग आती ही है when it comes to the career. Try to overcome those situations. Try to make them positive. आप अगर 4-5 बार उसको बोलेंगे नहीं मेरे से ऐसी बातें मुझे नहीं पसंद है, हम दोनों मिलके इस काम को कर सकते हैं, तो 5वीं बार वो डेफिनेटली आपसे नेगेटिव बात करने से
पहले 10 बार पूछेंगे। पास्ट, हेलो, हाँ, पास्ट एक ऐसा पार्ट है अपनी लाइफ का। हर इंसान को कभी ना कभी पास्ट इवेंट के थ्रू स्ट्रेस होता है। किसी के लाइफ में कुछ अनइवेंटफुल सर्कमस्टांसेस आए होंगे कोविड के दौरान या प्री कोविड या कभी भी, तो वो अगर उनको बार बार परेशान करते हैं तो ट्राई टू एनालाइज दो सिचुएशंस, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करें कि क्यों हम उस बात को लेकर अभी भी परेशान है जो हमने सालों पहले छोड़ चुके हैं उस बात। डोंट ट्राई टू ब्रिंग योर पास्ट इनटू द करेंट लाइफ। वर्क प्रेशर, अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों को हैंडल करना चाहिए, और अभी तो आगे बहुत लाइफ है आप लोगों की। अभी तो कोविड से आप लोग आगे निकल रहे हैं, करियर आएगा, फैमिली आएगी, रिलेशंस आएंगे, बहुत लंबा सफर तय करना है। मेरा मेन उद्देश्य, हम सबका मेन उद्देश्य इस सेमिनार में सिर्फ एक ही बात बार बार बताने का है, हार नहीं माननी। मैंने मेरी लाइफ में बहुत ऐसे इंसिडेंसेस देखे हैं जिन्होंने मुझे बहुत बार तोड़ा है, बहुत बार। एक छोटा सा इंसिडेंस दूंगा, मेरी नानी 1999 में उनको हार्ट अटैक हुआ और वो नहीं रही, एंड 1999 में ही मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी MBBS के लिए, एडमिशन के लिए। जिस दिन मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई तब तक मेरी नानी, हमेशा उनका एक ही सपना था कि ये किसी तरह डॉक्टर बन जाए, एंड शी वाज अ डायबिटिक पेशेंट सिंस लास्ट 30 इयर्स। उनको बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते थे, वो हमेशा कहती थी सभी तो डॉक्टर बन जा, मेरा इलाज करना, ठीक है। जिस दिन मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई उसके एक महीने के बाद वो एक्सपायर हो गई। वो पूरा साल मैंने कैसे बिताया होगा ये सोच के कि जिनके लिए डॉक्टर बनना था या जिनके लिए सपना था या जिन्होंने मेरे लिए सपना देखा था वो ही नहीं है तो अब क्या फायदा। पर नहीं, धीरे धीरे मेरे मेंटर्स, मेरे कलीग्स, मेरे दोस्त मोटिवेट करते गए करते गए करते गए। फॉर्चुनेटली इन द नेक्स्ट ईयर आई गॉट सिलेक्टेड फॉर MBBS। तो अब लगता है कि अगर मैंने वो लड़ाई छोड़ दी होती ये सोचकर कि अब तो जिनके लिए बनना था वो है ही नहीं, क्या फायदा बन के। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं लगभग 20 साल आगे आ चुका हूँ उस इंसिडेंट से। आज भी मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर बनके मैंने बहुत अच्छा काम किया, नानी नहीं तो किसी और की नानी के लिए तो काम कर सकता हूँ। मेरी नानी ना सही, मेरे रिलेटिव किसी और के रिलेटिव के लिए तो काम कर सकता हूँ, और डेफिनेटली हम अच्छा ही कर रहे हैं। किसी के साथ कंपेरिजन मत करिए। आपका फेलो कलीग आपसे पढ़ने में आगे हो सकता है। देखिए, एक एक कहावत है, इंटेलिजेंसी वर्क्स अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट ऑन, हार्ड वर्क मैटर्स ऑलवेज। अगर आपका दोस्त, आपकी सहेली आपसे इंटेलिजेंट है, सेम कछुआ और खरगोश वाली कहानी, बिल्कुल कछुआ और खरगोश वाली कहानी लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखाएगी। आप किसी से आगे हैं, बेशक आप उनसे अच्छा कर सकते हैं लाइफ में, लेकिन उनको डिस्करेज भी मत करिए, और जो पीछे हैं वो भी डिस्करेज मत होइए। आप मेहनत कीजिए, हो सकता है आपको उनसे डबल मेहनत करना पड़े। मेरे साथ मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हुआ करते, बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ के आए थे। हम लोग MP बोर्ड की छोटी सी स्कूल में पढ़ते थे, पर हमें ऐसा लगता था कि नहीं, अगर इनके पास रिसोर्सेस हैं, इनके पास इंटेलिजेंसी है, तो हमारे पास मेहनत है। मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता, वो तो अपने हाथ में है। मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे, वरना तो आज ही कहानी खत्म, फिर क्यों कोचिंग करना और क्यों जाना। तो कंपैरिजन मत करिए, आगे एन नंबर ऑफ इंसिडेंसेस आएंगे जब आपको कंपैरिजन या तो फोर्सफुली कंपेयर करने का कंडीशंस आएंगे आपके सामने, वांटेड अनवांटेड। ट्राई टू अवॉइड कंपैरिजन, आप जो हैं और उसी में खुश रहिए। स्ट्रेस का मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, हेलो, स्ट्रेस का मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट विल, अगर आप उसको मैनेज करने में नाकाम रहते हैं तो आपको फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली दैट सिचुएशन विल डिस्टर्ब यू थ्रू आउट योर लाइफ। स्ट्रेस विल ऑलवेज रन बिहाइंड यू,
try to overcome the stress and go ahead of it. Just time management, जैसे आप time से दो कदम अगर आगे रहते हैं, किसी दिन आपने आपको आदत है, जैसे सर ने कहा कि भाग दौड़ करते हुए कॉलेज पहुंचने की आदत है, बिल्कुल लेक्चर शुरू हो रहा है, मैं आई कमिंग सर, मैं आई कमिंग मैडम बोल रहे हैं, किसी दिन 10 मिनट पहले पहुंच के क्लासरूम के बाहर खड़े रह के देखिए, वो खुशी, वो फीलिंग जो आपको आती है ना, ऐसा लगता है आपने कोई ट्रॉफी जीत ली। ये सब इंसिडेंसेस हमारे साथ हो चुके हैं, हम आपके जैसे ही हैं, आपके साथ हैं, आपके बीच से ही आए हुए लोग, कुछ नया नहीं है, हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी नहीं हुई, धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप हुआ है। तो यू हैव ऑल बीन गिवन अ चांस टू डेवलप योरसेल्फ, डेवलपमेंट कभी मत छोड़िए, वो आपके हाथ में। स्ट्रेस नीड्स टू बी हैंडल्ड, रादर देन यूजिंग द टर्म स्ट्रेस मैनेजमेंट, वी शुड लर्न द टर्म स्ट्रेस हैंडलिंग। स्ट्रेस मैनेजमेंट उतना इफेक्टिव टर्म नहीं है जितना स्ट्रेस हैंडलिंग, क्योंकि स्ट्रेस हैंडल करना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा। देर इज नो क्राइटेरिया या देर इज नो डिग्री ऑफ स्ट्रेस, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म्स में इट इज बीइंग यूज्ड, बट स्ट्रेस हैंडलिंग इज अ बेटर टर्म। सो ऑलवेज ट्राई टू हैंडल द स्ट्रेस, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द स्ट्रेस। हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, बहुत सिंपल है, नथिंग मच, आप रिलैक्स रहिए, जिस चीज से भी, जिस काम से भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है आप उसको करिए, किसी को एक्सरसाइज करने से, किसी को अपनी हॉबीज पूरी करने से, किसी को योगा करने से, किसी को नेचर में घूमने से, जैसे जैसे आपको, जिस वस्तु से आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो आप करिए। ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ रादर देन कंट्रोलिंग द सिचुएशन अराउंड। सपोज आप ड्राइव करके जा रहे हैं, किसी ने आपको रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर लिया और आपकी एक्सीडेंट होते होते बच गई, आप क्या करेंगे? सबसे पहला रिएक्शन जो नॉर्मल आम पब्लिक के जहन में आता है वो उसके फैमिली मेंबर्स को सबसे पहले याद करता है, ठीक है, तो उसके फैमिली मेंबर्स को याद ना करते हुए अपने आप को संभालिए। अपन हम कैसे उस स्ट्रेस से, उसने तो गलती की, वो तो की 100%, देयर इज नो उससे भी गलती नहीं होगी, आप भी बचेंगे। Try to learn and respect yourself. ये बहुत important point है। इसको भी थोड़ा practice की जरूरत पड़ रही है। जो अपने आप से प्यार करता है ना, दुनिया उससे प्यार करती है। Don't ever try to criticize yourself. आप अगर किसी के सामने ये बात कहते हैं ना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो इतना capable ही नहीं हूँ, डेफिनेटली एक negative aura आपके अराउंड डेवलप होगा। And people will try to neglect you. कोई आपको दो बार समझाएगा, तीन बार समझाएगा, चार बार समझाएगा, but your development will definitely it be in your hands only. अपने आप को degrade मत होने दीजिए, अपने आप को discourage, demotivate मत होने दीजिए। अगर आपके अंदर वो quality नहीं है, suppose मान लीजिए मैं एक कोई भी sport बहुत अच्छा नहीं भी खेलता हूँ, या मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं भी हूँ, तो उसको दुनिया के सामने जाहिर करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, आप एक इंडिविजुअल से अच्छा उस इंडिविजुअल को कोई नहीं जानता, ना उसके पेरेंट्स, ना उसके सिबलिंग्स, ना उसके टीचर्स, कोई नहीं। अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए, अपने आप को डिस्करेज मत करिए। सेल्फ रेस्पेक्ट इज द की टू सक्सेस, ये मैंने पिछले कई लेक्चर्स में भी बार बार कहा है। सेल्फ रेस्पेक्ट इज द की टू सक्सेस, स्पेशली रिमेंबर दिस, we will come to it again in the end of the lecture. Be as you are. अपने आप को हेलो दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए। आप शाहरुख खान नहीं बन सकते, आप दीपिका पादुकोण नहीं बन सकते, आप जो हैं आप वही रहेंगे, लाइफ लॉन्ग आप वही रहेंगे। आपका जिस घर में जन्म होना था आप
उस घर में जन्म ले चुके, आपको जो करियर चूज करना है आपने वही करना है, आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, सो बी एज यू आर, बी एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, हैप्पी, हेल्दी, डोंट लूज होप, नेवर ट्राई टू लूज होप, आप अपने डिसीजंस कामली ले, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करें, एंड एक जो कॉमन कंसेंसस बनेगा उसके थ्रू करियर में या किसी भी चीज को अचीव करने में आगे बढ़िए। अपने कुछ इमीडिएट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल सेट कीजिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे एक सिंपल बात है, इस साल सेशन शुरू हुआ, हमने डिसाइड किया कि चलो पिछले साल हमारे कम परसेंट आए, हमारे 60, इस बार हम 80% देखेंगे, ठीक है। उस 80% को लाने के लिए आपने मन में तो सोच लिया 80% उसके लिए क्या स्टेप किया, कल से आपने उस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया कि नहीं किया, आपने एक अपना मंथली टारगेट बनाया, इस मंथली टारगेट पे मुझे ये सब्जेक्ट ये चैप्टर कंप्लीट करना, तो क्या एट द एंड ऑफ द मंथ हम वो चैप्टर्स कंप्लीट कर पाए, या हम वो टास्क कंप्लीट कर पाए, या हम उनको रिवाइज कर पाए, या हम पढ़े हमने तो क्या हम उसको ग्रैस्प कर पाए, अगर वो शॉर्ट टर्म टारगेट पूरा नहीं हुआ तो बिलीव मी आप अपने लॉन्ग टर्म टारगेट से एक महीना पीछे जा चुके हैं, क्योंकि समय एक महीना आगे जा चुका है और आपका लोड अभी भी वही के वही। सो ट्राई टू डेवलप, ट्राई टू मेक शॉर्ट टर्म गोल्स, एक एक दिन का टारगेट बन, आज सुबह 6 बजे आप उठे, 7 बजे उठे, रात के 12 बजे तक आपको क्या क्या करना है ये टारगेट बनाइए। डोंट ट्राई टू मेक नेक्स्ट डे टारगेट, ट्राई टू मेक डेली टारगेट, रोज रात को सोने से पहले एक अपना टास्क बना लें कि कल मुझे क्या करना है, ये मुझे आज पता होना चाहिए, वरना कल सुबह उठने के बाद आपकी सिचुएशन वही रहेगी, हैफजर्ड पे पता नहीं मुझे अभी क्या करना है, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे नहीं मालूम, वो दिन भी बीत जाएगा। ट्राई टू मेक शॉर्ट टर्म गोल्स, इट विल हेल्प यू टू गेट एंड टू गिव, यू नीड टू फॉरगेट एंड फॉरगिव। सेम वही, आपको चीजें, कुछ चीजें अपने हाथ से जानी देनी होगी, किसी ने कुछ कह दिया, किसी हो सकता है कोई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड हो जिसने आपको कुछ बोल दिया, छोड़िए ना, वो फ्रेंड आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाला है ना, उसकी कई बातें रहने वाली, आप अपने आप से काम रखिए, ट्राई टू फॉरगेट एंड फॉरगिव, लोअर योर एक्सपेक्टेशन, आप अपने आप से, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी कैपेसिटी अगर है ये काम एक महीने में आप 5 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, डोंट ट्राई टू मेक ओवर एंथुसियास्टिक गोल्स, मैं तो 10 कर लूंगा, उस 10 करने के चक्कर में आपके 5 भी नहीं, एंड दैट विल लीड टू डिसहार्टनमेंट, डिसकरेजमेंट, डिसरेस्पेक्ट टू सेल्फ, एंड दैट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन, वो आपकी बिहेवियर में आएंगे, वो आपके एटीट्यूड में आएंगे, और आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं उनको भी वो रिफ्लेक्ट करेंगे। फोकस ऑन योर टारगेट, एवरीवन नोस, ठीक है, लिव इन प्रेजेंट, जैसा मैंने कहा ना, आज आज और आज, सिर्फ आज है आपके पास, जैसे अभी मैं यहाँ हूँ, सर लोग बैठे हैं, आप लोग यहाँ बैठे हैं, थिंक अबाउट टुडे, ट्राई टू प्ले वन डे मैचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लाइफ का, वन डे मैच, नो 2020, नो शॉर्टकट्स, नो टेस्ट मैचेस, ओनली वन डे मैच, आज हुआ है दिन शुरू, रात के आखिरी पहर तक, आखिरी घंटे तक जब हम जागे हुए हैं हमें क्या करना है ये भी पता होना चाहिए। यस्टरडे इज अ कैंसल्ड चेक, टुमारो इज अ प्रोमिसरी नोट, पता नहीं वो आए ना आए, टुडे इज द कैश इन हैंड, ये मैंने बहुत बार पहले भी बोला है, टुडे इज द कैश इन हैंड, कैश जब तक आपके हाथ में है, आपके कैश का मतलब अपॉर्चुनिटी, टाइम, रिसोर्सेस, तब तक आप अपने आप को जितना उन्नति कर सकते हैं कीजिए। ट्राई टू डेवलप ऑल योर हॉबीज, बचपना कभी मत छोड़िए, ये मैं जानबूझकर आपके लोगों के सामने ये बात मैंने रखी है, क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स हैं, बचपना थोड़ा जिंदा रहना चाहिए, सिंपल है, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, कभी अगर मैं टू व्हीलर पे जा रहा हूँ या साइकिल पे जा रहा हूँ, जो यूजुअली हम लोग मॉर्निंग में करते हैं, किसी गली से गुजर रहा हूँ और
कोने में कोई एक पेड़ है जिसकी डंगाल झाड़ के सड़क के ऊपर लटक रही, मेरा हाथ अपने आप उस डंगाल को टच करता, ठीक है, मैं साइड से भी जा सकता हूँ, आई कैन गो फ्रॉम द साइड ऑल्सो, क्या जरूरत है मुझे उस डंगाल को टच, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है, बचपन में भी यही करता, कभी फूल तोड़ लेता था, कभी डंगाल तोड़ लेता, तो मुझे वो आज भी याद है और मुझे मैं आज भी करता हूँ। अगर आपकी ऐसी कोई बचपन वाली आदत है जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, आप बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है, मैं मानता हूँ पेड़ को थोड़ा सा नुकसान हुआ होगा मेरी एक्टिविटीज की वजह से, जो आज भी होता है होगा, पर मुझे उसमें खुशी होती है, होती है तो होती है, क्या करें, कीप स्माइलिंग, एवरीवन शुड कीप स्माइलिंग, थोड़ा अपने आप को एक्सरसाइज की ओर अगर आप रुख कर पाए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कि योगा हमारे देश का ही देश में ही बना हुआ है, देश में ही हमारे पूर्वजों ने डेवलप किया उसको, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी, उसका रीजन है सिंपल है, O2 एंड CO2 एक लेवल तक अगर CO2 आपकी बॉडी में जमा है दैट विल डेफिनेटली स्लो डाउन इवन मेंटल प्रोसेस, थॉट प्रोसेसेस हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको एक पॉजिटिव एनर्जी जिसको ATP कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उनको O2 जितना मिल सके वो रिचार्ज होते हैं, दे ट्राई टू डेवलप देमसेल्फ, दे ट्राई टू रिजुविनेट देमसेल्फ, एवरी ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी हैज ATP माइटोकॉन्ड्रिया, सो ट्राई टू टेक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आप अभी बैठे हैं 4-5 बार लंबी सांसें ले लीजिएगा, आप यू विल डेफिनेटली फील कुछ तो हमारे सर से एक हल्का सा बोझ कम होता है, करके देखिएगा, हो सकता है बहुत सारे लोग करते भी होंगे, मैं भी करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है अरे एक मिनट पहले जो ऐसा लग रहा था कि कुछ थकावट सी थी, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हो रही, तो O2 एंड एक्सरसाइजिंग, प्राणायाम, योगा हेल्प्स अ लॉट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, जिस तरह से एक मोटर को चलने में ऑयल फ्यूल की जरूरत होती है, हमारी बॉडी को सिर्फ एक ही फ्यूल की जरूरत है, एंड दैट इज वाटर, मोर देन 80% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, ईच एंड एवरी सेल हैज 80% ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंसी विद वाटर, वाटर आपकी अगर आप नहीं पीते हैं पानी तो जो इनएक्टिव सेल्स हैं बॉडी के, बॉडी वहां से सेल्स, उन सेल्स से वाटर ड्रॉ करना शुरू करती है, चाहे वो आपके नेक मसल्स हो या आप बहुत देर तक बैठे हुए तो बैक मसल्स हो, तो कहीं ना कहीं बॉडी डिप्लीट है वाटर से, एंड जब आप उस ऑर्गन को या उस बॉडी पार्ट को, उस मसल को यूज करना शुरू होते हैं, रैपिड फटीग होता है, तो ड्रिंक एज मच एज वाटर एज पॉसिबल, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये बहुत अच्छा उपाय है, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को, अपने जेस्चर को, अपने बॉडी लाइनअप को, बॉडी लाइन को, लैंग्वेज को जितना गौर से ऑब्जर्व करेंगे, ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट बनेगा, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या किसी कल सुबह आपके एग्जाम है, ट्राई टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, अपने आप को देखिए कि क्या मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, अगर नहीं फील कर रहा हूँ तो आई शुड प्रिटेंड, मैं डेफिनेटली ये वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, अपने आप को कभी कभी अपने ब्रेन को धोखे में रखना बहुत जरूरी होता है ना, ब्रेन एक ऐसी ऑर्गन है जिसको हम जितना फीडबैक देंगे चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ब्रेन ट्राइज टू एक्ट लाइक दैट, आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं भी हैं ट्राई टू प्रिटेंड योरसेल्फ दैट यू आर कॉन्फिडेंट, जैसे सिंपल सी बात है, मैं आज आप लोगों से पहली बार मिला हूँ, सर से पहली बार मिला हूँ, मैडम से पहली बार मिला हूँ, आई वॉज टोटली ब्लैंक कि मुझे किन लोगों से मिलना है, मुझे किन स्टूडेंट्स के सामने बोलना है, मुझे नहीं पता, तो थोड़ा स्ट्रेस तो मेरे दिमाग में भी था, लेकिन प्रिटेंड करना पड़ता है कि आप स्ट्रेस में नहीं है, ठीक है, तो यही मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ट्राई टू ब्लफ योर माइंड समटाइम्स, ऐसा भी नहीं कि आपने पढ़ाई ही नहीं की और आप अपने आप को बोल रहे मैं तो 100% लिख रहा हूँ, आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके कलीग्स, ना आपके फ्रेंड, कोई नहीं, ट्राई टू मेक एंड डेवलप योर माइंड, हो सकता है कि आपने कुछ चीजें जैसे हमारे साथ होती थी MBBS का कोर्स इतना फास्ट हुआ करता था कि हो सकता है कोई चैप्टर या कोई चीज जो हमने साल के शुरू में पढ़ी हो उसके बाद उसको टाइम ही नहीं मिला पढ़ने को,
ठीक है, हमारी गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, टाइम ही नहीं मिला, लेकिन अगर एग्जाम के दौरान आप अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं कि नहीं नहीं याद आएगा, थोड़ा सा और स्ट्रेस देता हूँ अपने दिमाग पे, थोड़ा और जोर देता हूँ, मुझे वो चीज़ याद आ जाएगी, वो होगा, होता ही है, कुछ तो याद आएगा। क्या आपके किसी दोस्त ने आपको बताया होगा आज टीचर ने वैसा पढ़ाया, ऐसा हुआ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक उस और उस वो जो एक एड्रेनालिन रश होता है ना, वो बहुत कुछ करता है। तो अपने आप मोटिवेटेड रखिए, डीमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं एंड यूनिक हैं, आपके जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है ही नहीं। तो अगर आप यूनिक हैं तो मेंटेन इट्स यूनिकनेस, व्हाई नॉट, हमें तो प्राउड फील होना चाहिए कि मैं अगर मैं समीर कटाले तो आई डोंट थिंक कि दूसरा कोई समीर कटाले होगा, या होगा भी तो वो मेरे जैसा नहीं होगा। अगर उसके पास कुछ अच्छी चीजें हैं तो मैं उनसे लूंगा, मेरे पास कुछ अच्छी चीजें होंगी तो उनसे सीखूंगा, तो आई एम यूनिक। सो लाइक वाइज यू ऑल आर यूनिक इन योर सेल्फ, ट्राई टू मेंटेन यूनिकनेस, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, डेली राइटिंग हैबिट कुछ लोगों की हो सकती है, रात को कुछ दिन भर की दिनचर्या वो लिखते होंगे, अपने एक्सपीरियंसेस लिखते होंगे, मैंने नहीं ट्राई किया, आई एम वीक इन दैट, मैं नहीं हूँ इसमें राइटिंग में। तो हो सकता है आप लोगों में से अगर किसी की स्किल हो तो आप राइटिंग कर सकते हैं, अपने नेक्स्ट डे टारगेट बना सकते हैं, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, या डेफिनेटली आप जो पढ़ते हैं वो आपके माइंड में जाता है, आपके वर्ड्स के थ्रू दूसरों को सुनाई देता है, आप चीज़ों को उस नज़रिए से देखने लगते हैं। जैसे हम लोग कोविड के टाइम्स में हमें पहली बार सुना बीमारी का नाम, हमें पता ही नहीं, लिटरेचर्स पढ़े, कई आर्टिकल्स पढ़े, दूसरे कंट्रीज की क्या सिनेरियोस चल रहे हैं वो जाने, फिर हम लोगों ने धीरे धीरे हमारी टीम ने उसको ओवरकम किया। अब जैसे सर को भी पता है, डॉक्टर संजय गोयल सर की बहुत स्ट्रेस था, सब लोग स्ट्रेस थे, क्या करें, रात के 10 बजे पहुंच रहे हैं, सुबह 7-8 बजे फिर निकल, लाइफ कॉम्प्रोमाइज, फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज, बच्चे क्या कर रहे हैं पता ही नहीं, स्पेशली जब सेकेंड वेव आई थी मार्च अप्रैल में, ऐसी हालत थी कि पेशेंट्स, आज सुबह जिस पेशेंट को अटेंड किया है पता पड़ा 2 घंटे बाद एक्सपायर, इतना स्ट्रेस। वी ऑल आर लकी कि हम आज सेकेंड वेव को क्रॉस करके यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत ही दुर्गति थी उन 2 महीनों में जो हमने देखी है, पेशेंट्स के रिलेटिव्स को फिलकते देखा है, पेशेंट्स के रिलेटिव को रिक्वेस्ट करते देखा है, उसे बचा ली, कुछ जिनकी हम मदद कर पाए हमें खुशी हुई, जिनकी मदद हम नहीं कर पाए उसका दुख आज भी है, कुछ नहीं कर सकते, सो लाइफ गोज ऑन। तो मैं और मेरी वाइफ ने जस्ट एक शुरुआत की कि चलो कुछ और नहीं कर सकते तो साइकिलिंग शुरू की, धीरे धीरे टाइम पास शुरू किया, पहले 25 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, एंड देन वन डे फाइनली ऐसा लगा कि 100 किलोमीटर हो गया, हमें पता ही नहीं चला, लिटरली हमें नहीं पता चला कि हम 100 किलोमीटर, हम राजनगर से आगे पहुंच गए साइकिल चलाते हुए, हमें पता ही नहीं चला, मेरी बाइक भी साथ में थी, और इतना अच्छा लगा कि जिस चीज को हमने फन वे में स्टार्ट किया था, वी डिड समथिंग गुड एंड वी डिड समथिंग इंस्पिरेशन फॉर पीपल लाइक अस। तो अपनी हॉबीज, अपने जो भी आपकी लाइकिंग्स हैं उनको डेवलप करना शुरू कीजिए। बीच बीच में गाने भी गाते थे, तो क्या करें, कुछ तो करना है तो गाना ही गाते थे। जो आप हेलो तो जो आपको नहीं करना है, ये तो डूज की बात थी, अब कुछ डोंट्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड। जो आपको नहीं करना है, अपना रिमोट कंट्रोल लाइफ का किसी के हाथ में नहीं देना है, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हो, चाहे आपके पेरेंट्स, तो मैं इसमें नहीं इंक्लूड करता क्योंकि वो भी चाहेंगे, अच्छा ही सोचेंगे हमारे बारे में, बट ठीक है, यू कैन डेफिनेटली टेल योर विशेस, योर ड्रीम्स टू देम, बट डू नॉट लेट एनी वन टू रूल यूर लाइफ और रन यूर लाइफ। यू आर यूनिक एंड यू हैव टू गो थ्रू यूर लाइफ अलोन, सो डू नॉट गिव रिमोट कंट्रोल ऑफ यूर लाइफ एनी वन, डोंट गिव अप, नेवर, डोंट डेविएट फ्रॉम योर पाथ। एक बार जो सोच लिया उस पर आगे बढ़ते जाना,
डोंट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ, डोंट ओवर एनालाइज द सिचुएशन. ठीक है, आप एक बार नहीं कर पाए. तेंदुलकर ने भी अपने फर्स्ट मैच में सेंचुरी नहीं बनाई, वो डक पे आउट हुए थे. डेब्यू मैच सिखाया गया, आज मैं उनकी बदौलत यहाँ हूँ. मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. लेकिन अगर आपने कोई चीज सोच ली है तो पीछे मत हटिए उसको. चीज को अचीव करने के लिए भले ही आप टारगेट बनाने के लिए 7 दिन लीजिए, 1 महीना लीजिए, देर इज नो टर्निंग बैक. सोचिए और आगे बढ़िए. डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स. डेफिनेटली एक 5C मेथोडोलॉजी जो हम लोग यूजुअली मैं फॉलो करता हूँ, जिसको हम 5C मेथोडोलॉजी जो नहीं करनी चाहिए, आई मीन टू से ये 5C मेथोडोलॉजी अपनानी चाहिए, लेकिन इनके थ्रू हमें क्या नहीं करना चाहिए ये हमें जानना चाहिए. डो नॉट कंपेयर यूअरसेल्फ, जैसा फिर पहले भी बोले हैं. डोंट क्रिटिसाइज एनीवन. आपको कोई चीज नहीं पसंद आई है, डो नॉट ट्राई टू क्रिटिसाइज दैट सिचुएशन. अगेन अगेन दैट सिचुएशन रिपीटेड बोलना, रिपीटेड वो सिचुएशन पे एक्ट करना, रिएक्ट करना आपके अराउंड एक नेगेटिव ऑरा बनाएगा एंड दैट विल लीड टू द डिस्करेजमेंट ऑफ योरसेल्फ. डोंट चूज रॉन्ग
conditions. Don't choose wrong situations. Don't try to choose wrong companionship. That will ultimately harm your life. Don't cry over any situation. Jo ho gaya, so ho gaya. Try to overcome that situation aur aage badhiye. Don't curse yourself. Na apne aap ko bura boliye, na dusre ko bura boliye. Aage badhiye. Don't compare, don't criticize, don't choose wrong situations, don't cry over the situation, and don't curse yourself or other people also. Now, what we have to do? Hello? What we have to do? We have to select good conditions, good environment, good friends, good coaching institutes, good colleges, good teachers, good educational organizations. जिनके अंदर जाने के बाद हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें. सेज विजडम, अपनी बुद्धि को और अपनी बौद्धिक क्षमता को पूरा 100% यूटिलाइज करिए. इसके थ्रू आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी. सेल्यूबरियस, आप अपने आप को हेल्दी रखिए. धीरे धीरे जब आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपके थॉट प्रोसेस डेवलप होते रहेंगे. You will feel positive, you will feel energetic, you will feel enthusiastic to do something new in your life, to do something great in your life. Be safe, again, thoda sa mixy hai ye, ki apne aap ko wrong situation, wrong friendship, wrong condition se bacha ke rakhiye. Try to be little bit spiritual also. Thoda bahut spiritual hona chahiye. Isme ये नहीं मतलब होता है कि आप बिल्कुल भगवान के सामने 2-3 घंटे तक धोनी रमा के बैठे हैं, ऐसा नहीं. स्पिरिचुअलिज्म एंड रिलीजन, दे बोथ आर टोटली डिफरेंट थिंग, 100% डिफरेंट. स्पिरिचुअलिज्म, सिंपल स्पिरिचुअलिज्म की बात है. आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको किसी एक जरूरतमंद व्यक्ति आपको दिखाई दे, आपने मदद की, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म. कभी और मौका मिलेगा तो स्पिरिचुअलिज्म पे अपन बात करेंगे. इट्स अ वास्ट टॉपिक. Think, analyze, plan and implement. सोचे, सिचुएशन को एनालाइज करें, वर्किंग प्लान बनाए और इम्प्लीमेंट करें. 100% सक्सेस मिलेगी आपको. 100% देर इज नो पॉइंट इन योर लाइफ, देर इज नो सिचुएशन इन योर लाइफ दैट विल ब्रिंग दैट विल यू फेल्यूर टू यू इफ यू फॉलो अ प्रॉपर प्रोटोकॉल टू सक्सीड इन योर लाइफ. थिंक बिग, एम हाई, स्काई इज द लिमिट, देर इज नो लिमिट. Try to build up a roadmap in your mind. अपने दिमाग को ब्लब करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है. आप अपने दिमाग को ब्लब करिए, आप अपने कैपेसिटी को, ब्रेन को समझाइए कि नहीं, अगर कल मैंने एक चैप्टर पढ़ा है, आज मैं 2 पढ़ूंगा, डेफिनेटली वो आप कर लेंगे. बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड सेट, इट विल लीड टू अचीवमेंट ऑफ योर गोल. कंफ्यूज्ड puzzled attitude rakhenge, you will always land up yourself into trouble. Kuch kuch chote chote task hain jo aapko routine activities mein karne chahiye. Keep calm, don't worry, be positive, take it easy. Aaj nahi to kal chalta hai yaar, kuch nahi hota. Don't stress yourself, enjoy life, enjoyment, yes. Journey ko enjoy karna bahut zaruri hai. आज आप कॉलेज लाइफ में, कॉलेज लाइफ को एंजॉय कीजिए. एंजॉयमेंट का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि आपने पार्टी कर ली, आज आपने किसी के बर्थडे बैश में चले गए, कहीं आउटिंग्स में चले गए. ट्राई टू एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट. आप एक लेक्चर हॉल में इसको एंजॉय करिए, भले ही आपको मजा नहीं भी आ रहा होगा, प्रिटेंड यूर सेल्फ, प्रिटेंड कि हाँ आपको मजा आ रहा है, ठीक है. इट विल लेसन द स्ट्रेस दैट यू आर फीलिंग इन योर लाइफ. कभी कभी स्लो डाउन करिए अपनी एक्टिविटीज को. आप हो सकता है बहुत रश कर रहे हो किसी चीज में, किसी बात में, स्लो डाउन करिए, रिलैक्स, गो आउटसाइड. किसी को अगर पिकनिक में, किसी को डेली सुबह मॉर्निंग वॉक में जाने का अवसर मिलता है या उसको पसंद है, तो बिल्कुल करना चाहिए. हैव फन, बी हैप्पी. व्हाट आई सेड इन द मिडस्ट ऑफ माय लेक्चर इज ट्राई टू प्ले वन डे मैचेस. It's all starting from sunrise to sunset. One-day matches के लिए आपको हर दिन आपके पिछले दिन से ज़्यादा energetic, ज़्यादा positivity और ज़्यादा enthusiastic feel होगा. Don't try to make over
important strength goals for yourself जो आप आज कर सकते हैं डेफिनेटली कल उससे कुछ ना कुछ बेटर करेंगे ये आपको भी पता है तो ऑलवेज ट्राई टू प्ले वन डे मैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम सनराइज टू सनसेट एक मैं सिर्फ अपने तक ही मतलब शेयर नहीं किया हूँ आज तक कभी एक तथास्तु बड़ा ही एनर्जेटिक वर्ड है तथास्तु एक हिंदी में जो हमारे हम जो पहले रामायण और महाभारत सीरियल देखा करते थे जो कोई विश मांगता था किसी से तो तथास्तु निकलता था मुंह से ऋषि मुनियों के मुंह से पेरेंट्स के मुंह से तथास्तु तथास्तु का मतलब होता है तत् मतलब वहाँ अस्तु मतलब होना तुमने जो कहा वो हो जाएगा ये अपने आप में इतना पॉजिटिव वर्ड है अपने आप में इतना एनर्जेटिक वर्ड है तथास्तु आपने आज कुछ सोचा है तो अपने आप से ही बोल लीजिए तथास्तु या आपके दोस्त हैं आपस में हैबिट डेवलप कर लीजिए जब आप कुछ अच्छा सोचें अच्छा करें तो वो आपको तथास्तु सिचुएशन एंड सराउंडिंग्स पलट के जरूर आती है आज आपने किसी को पॉजिटिविटी दी है ना कहीं जब आपकी सिचुएशन ऐसी होगी जब आपको पॉजिटिव थॉट्स नहीं मिल रहे होंगे कुछ एक ऐसा आपके अराउंड हैपनिंग होता रहा हो रहा होगा जहाँ से आप पॉजिटिविटी ढूंढ लें 100% ये एक्सपीरियंस है प्रूवन है सेल्फ एनालाइज है तथास्तु में बहुत बड़ी शक्ति है ट्राई टू डेवलप दैट हैबिट ऑफ सेइंग तथास्तु स्ट्रेस को स्ट्रेस की तरह ना लेते हुए अगर हम इसको रीमॉडिफाई करें रीबिल्ड करें इस वर्ड को तो इट विल सिंपली स्पेल एज सिंपली रेस्ट फॉर सम टाइम स्ट्रेस मैंने जैसे शुरू में कहा था स्ट्रेस अपने आप में एक स्ट्रेसफुल वर्ड है तो उसको हम रीबिल्ड करके सिंपली रेस्ट फॉर सम टाइम दिमाग को शांत रखेंगे स्ट्रेस अपने आप चला जाएगा रीडिफाइनिंग स्ट्रेस एज स्टॉप टेकिंग टेंशंस रिलैक्स एंजॉय सिलेक्ट पॉजिटिव सराउंडिंग सो इट्स बेटर नॉट टू कॉल स्ट्रेस एज स्ट्रेस नेक्स्ट स्लाइड Stop taking tensions, relax, enjoy, select positive surrounding. So, आज से हम लोग स्ट्रेस को स्ट्रेस नहीं कहेंगे हम कहेंगे स्ट्रेस एक ऐसी सिचुएशन है जो हमको पॉजिटिव रहना सिखाती है जो हमें अगली उन्नति करना सिखाती है जो हमने आज तक अचीव नहीं किया वो करना सिखाती है तो हम आज से स्ट्रेस को सिर्फ स्ट्रेस नहीं समझेंगे उसको एक अपॉर्चुनिटी समझेंगे आप हेलो अभी 2022 आ रहा है आप अपने लिए कुछ नेक्स्ट स्लाइड आप अपने लिए कुछ गोल्स बना सकते हैं स्माइल ओपन अच्छा लगता है कनेक्ट विद द नेचर डू समथिंग यू लव योर हॉबीज योर गोल्स लिसन टू द म्यूजिक मेंटेन ए ग्रैटिट्यूड जर्नल ग्रैटिट्यूड का ये मतलब होता है अगर आपके लिए किसी ने कुछ किया है तो उसके प्रति एक श्रद्धा भाव उसके प्रति एक आदर भाव रखना बहुत जरूरी है अगर आप किसी को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे तो डेफिनेटली इन रिटर्न यू विल गेन द ग्रैटिट्यूड उसके सामने से उसके परिवार वालों की तरफ से हेलो ग्रैटिट्यूड ही मिलेगा जो आप देंगे वो रिफ्लेक्ट होके नेचर से वापस आएगा ही लिसन टू द म्यूजिक डू समथिंग यू लव गो फॉर ए वॉक सोशल मीडिया से गैजेट से थोड़े थोड़े दूर के थोड़े थोड़े समय के लिए दूरी बनाने की कोशिश करें आज आप फेसबुक दिन भर आपके मोबाइल हाथ में रहता है कोशिश करिए कि 2 घंटा आप फेसबुक ना देखें 3 घंटा आपने व्हाट्सएप यूज नहीं किया कोशिश करिए हो जाएगा मेक समवन हैप्पी आप हैप्पी रहेंगे और रखेंगे तो पलट के हैप्पीनेस आपको जरूर मिलेगी लव योर सेल्फ लव योर बॉडी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ लेट गो द पास्ट पास्ट में कुछ नहीं रखा जो बीत गया सो बीत गया फॉरगिव एंड फॉरगेट राइट 5 good things अबाउट yourself डेली एक बार मैंने कोशिश की थी मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताता हूँ कुछ समय ऐसा आ गया था लाइफ में कि मुझे लगता था कि ये भी फेलियर है वो भी फेलियर है ये भी अच्छा नहीं हो रहा वो भी अच्छा नहीं हो रहा क्या करूँ 1 साल 2 साल 3 साल बहुत परेशान रहता मैंने काफ़ी एनालाइज किया मेरे पेरेंट्स ने मेरे वाइफ ने मेरे
इन लॉज ने सबने अच्छी मुझे गाइड की। मैंने एक डायरी ली और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मेरे साथ जो अच्छा नहीं हुआ वो लिखना और मेरे साथ जो अच्छा हुआ वो लिखने का डिसाइड किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे साथ जो अच्छा नहीं हुआ वो 5 से ज़्यादा पॉइंट्स में नहीं लिख पाया और जो अच्छा हुआ वो लिखते बैठा मेरे 2-3 पेज भर गए। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द एनालिसिस व्हाट यू डू इन योर लाइफ। सिचुएशंस को समझिए, अपनी लाइफ को समझिए, आपके साथ जो अच्छा हो रहा है या जो आपको अच्छा मिला है उसको लिखने का की बहुत ताकत लगती है, उसको लिखने का बहुत दम लगता है। कोशिश कीजिएगा, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 5 चीज़ें आपको लगेगा ऐसा ज़रूर कि मेरे साथ तो बहुत सारा ऐसा है जो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ ये भी अच्छा हो सकता था, लेकिन आपकी जो आपके साथ हुआ है अच्छा उसकी लिस्ट बहुत लंबी रहेगी रादर देन जो आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। कोशिश कीजिएगा। तो आई थिंक आज के लेक्चर से हम लोग स्ट्रेस को कम करने में, ओवरकम करने में आपकी मदद होगी। थैंक यू। आपका लेक्चर सुनकर सीरियसली बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। सीरियसली जो 5C कॉन्सेप्ट और 5S कॉन्सेप्ट आपने बताया, सीरियसली मुझे तो बहुत नीड है कुछ कुछ चीजों की। इनफैक्ट हम सबको थैंक यू सो मच फॉर डिलीवरिंग सो नॉलेजेबल द लेक्चर। थैंक यू सो मच सर, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सर के लिए। जो नेक्स्ट हमारे बीच आ रहे हैं अपना लेक्चर डिलीवर करने के लिए डॉक्टर संजय गुप्ता सर, एक बार जोरदार तालियां बजाइए सर के लिए, क्योंकि कोविड टाइम्स में उन्होंने बहुत बहुत सेल्फलेस, एकदम अनकंडीशनल और सेल्फलेस होकर बहुत लोगों की हेल्प की है, पर्सनली प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे। डॉक्टर ममता सिंह, मिस्टर तिवारी और प्यारे बच्चों, डॉक्टर समीर बहुत ही इलाबोरेटिव सेशन दे चुके हैं। मैं 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा उसमें, अगर आप लोग की इजाज़त हो। टाइम ऑलरेडी मेरे को लग रहा है कि आप लोग एग्जॉस्ट हो रहे हैं। मैं अपने लाइफ के 2-3 एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगा। आई बिलीव इन live examples other than new lectures. तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम सबको ये समझना जरूरी है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है अपने आप को। हमारा प्रॉब्लम, हमको किस चीज से स्ट्रेस होता है और उसको कैसे मैनेज करना है, ये आज से हमको सीखना पड़ेगा। इसको इस तरह से सीख सकते हैं कि जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम तो आना ही है और एग्जाम में सबको बैठना ही है और एग्जाम में हमको खुद को ही लिखना पड़ता है। हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे भाई बहन हमारे लिए केवल दुआ कर सकते हैं कि हम अच्छा कर पाए एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में चाहे हम याद करके लिखें, चाहे चीटिंग मार के लिखें, कुछ भी करके लिखें, एग्जाम में लिखना हमको होता है। तो ये बहुत ही क्लियर थॉट होना चाहिए कि जो भी स्ट्रेस है या होगी तो हम जो सर्कमस्टेंसेस स्ट्रेस पैदा करेंगे उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपने आप को उसको कैसे तैयार कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से जो डॉक्टर समीर ने अभी बताया, उस चीज को समझना हमारी खुद की जिम्मेदारी है, वो आदत आज से हमको डालना। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमको ये भी समझना होगा जो डॉक्टर समीर ने कहा कि हम बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं,
जिंदगी में मजबूरी क्या होती है, एक एग्जांपल मैं हमेशा अपने लेक्चर में सबको सुनाता हूँ और मेरे को लगता है कि वो बहुत लाइव एग्जांपल है। हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं, हमको हमेशा ऐसा लगता है कि अंबानी बहुत बड़ा आदमी है या बिल गेट्स बहुत बड़े आदमी हैं, जो भी एक्स वाई जेड लगता है। हम हमेशा अपने से ऊपर वाले लोगों को देखते हैं, लेकिन जो हमसे नीचे हैं, मजबूर हैं, उनको हम कभी नहीं देखते। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, एमरजेंसी में ड्यूटी होती थी, एक मदर अपने 2 साल के बच्चे को लेके आई। बच्चे को सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था, मैं ड्यूटी में था, मदर आई, उसने उसे कुछ पूछना चाह रहा था कि बच्चे को क्या हुआ ताकि मैनेज करते में आसानी रहे। सभा वो मदर कुछ बोल नहीं पाई कि क्या उसको तकलीफ है बच्चे को। फिर उसको मैंने बोला कि आप जाइए, ये पर्ची कटा के लाइए, 2 रुपये की पर्ची कटती है, मात्र 2 रुपये। आज की डेट में किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है 2 रुपये, लेकिन वो लेडी के पास 2 रुपये नहीं था। इसी जद्दोजहद में वो बच्चा खत्म हो गया और थोड़ी देर बाद पता चला कि वो मदर ना बोल सकती है ना सुन सकती है। तो आप उस मदर की कल्पना कीजिए कि जिसके पास अपने बच्चे की तकलीफ बताने तक की ताकत नहीं है और उसकी जेब में 2 रुपये भी नहीं है। तो उससे बड़ा मजबूर इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आपसे भी बहुत ज़्यादा मजबूर लोग हैं दुनिया में, और जो अच्छी चीज़ें हैं जो बताई गई हैं उनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड, मेरे को लगता है कि कैरियर को लेके आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता होगा। हम अपने दिमाग में कुछ चीज़ें फिक्स कर लेते हैं कि अगर हम ऐसा कर पाए तो यही सक्सेस है और ऐसा नहीं कर पाए तो हमारा फेलियर है, या उसको हम लोग कभी कभी टाइम से रिलेट भी करते हैं कि इस समय ये काम हुआ तो ये सक्सेसफुल हुआ और इस समय नहीं हुआ तो हम निराश होकर उसको सक्सेस नहीं माने। मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बताता हूँ, शायद आपको कुछ प्रेरणा मिले तो काम आएगी। मैं थ्रू आउट टॉपर रहा, 12th तक अच्छा पढ़ता था, पढ़ता कम था, नंबर आ जाते थे, पढ़ाई वढ़ाई इतना ज़्यादा करता नहीं था। डॉक्टर ममता मेरी फ्रेंड है, 9th से देखती थी मुझे, लेकिन फिर भी अच्छा ही था बोल सकते हैं। मेरा PMT में पहला जो सिलेक्शन था केवल 4 नंबर से छूट गया था, एक क्वेश्चन, 1200 क्वेश्चन होते थे उस समय, तो MBBS में मेरा सिलेक्शन छूट गया। और मेरा ड्रीम था डॉक्टर बनना, मेरा पैशन था, मुझे डॉक्टर बननी। उस समय ग्वालियर में पेपर आउट हो गया था और ग्वालियर से 78 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उस समय MP हुआ करता था और मेरे कैटेगरी में केवल 270 सीट थी और 78 बच्चे ग्वालियर से सेलेक्ट हो गए और 1 नंबर से मेरा क्वेश्चन छूट गया। मुझे लगा जिंदगी ही पे थम गई है, आप समझ सकते हैं, जो आदमी थ्रू आउट टॉपर रहा, 1 नंबर 1 क्वेश्चन से उसका सिलेक्शन छूट गया। उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मैंने 1 साल मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम में नहीं बैठा। जब नेक्स्ट ईयर PMT का एग्ज़ाम था, मैं घर से एग्ज़ाम देने निकला और उस दिन बॉम्बे मूवी रिलीज हुई थी, आई रिमेम्बर। और मैं जिंदगी में हमेशा सिंसियर ही रहा इस सब चीज़ों में, मैं घर से निकला और मूवी देखने चला। शाम को जब घर लौटा, फादर मेरे आए और उनको जब पता चला कि इसने एग्ज़ाम नहीं दिया आज, तो एक फादर के मन में क्या गुजरी होगी, ये अभी आप जब मदर फादर बनेंगे तब समझेंगे, ये समझना मुश्किल है। मेरे फादर केवल 2 घंटे तक खड़े रहे, कुछ नहीं बोले, उनको लग रहा था बच्चा इमोशनल है और कभी ऐसा किया नहीं। तो ये ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं रेट्रोग्रेडली उसको एनालिसिस करा तो कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को सिचुएशन के लिए प्रिपेयर नहीं किया कि मेरी लाइफ में कभी ऐसा हो भी सकता है। वो जो प्रिपरेशन थी वो नहीं होने के कारण इतनी बड़ी गलती मैं कर बैठा जहाँ से हो सकता था कि मैं किसी गलत रास्ते पे चला गया। तो यहाँ पे आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ज़िंदगी में हमेशा आपकी अच्छी चीज़ें चलें। ज़िंदगी का मतलब ही होता है खुशी दुख चढ़ाव उतार और खुशी भी, है ना। तो आजकल के जो बच्चों में सबसे कमी मैं हमारी पेरेंटिंग में जो देखता हूँ, इवन मेरे बच्चों में भी,
कि हम उनको जिंदगी में जब नेगेटिव टाइम आता है तो उससे कैसे फाइट बैक करें, कैसे बाउंस बैक करें, वो हम नहीं सीख पाते हैं। हम लोग सब लोग, आप लोग की जो जनरेशन है बहुत कंफर्ट जोन में जी है, आप लोगों ने वो स्ट्रेस देखा ही नहीं जो हमारी जनरेशन और हमारे से पहले हमारे फादर लोगों ने देखा। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी ज़िंदगी में नेगेटिव वक्त नहीं आता। तो आपको अपना जो स्ट्रेंथ है, जिन आस्पेक्ट्स को डॉक्टर समीर ने बताया, उसको आपको धीरे 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 बढ़ाना होगा। और आपको किस चीज़ों से, किन चीज़ों से स्ट्रेस होता है ये भी इंडिविजुअलाइज होता है। एक व्यक्ति हो सकता है कि किसी बात को बहुत नज़रअंदाज कर दे और दूसरा ही व्यक्ति उस पर बहुत ज़बरदस्त उसको दिल पे लेके बैठ जाए। तो अपने आप को एनालाइज करना है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें मैंने प्रमुखता से कही कि सबसे पहला है कि स्ट्रेस मैनेज करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरा कि आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं, तीसरा उतार चढ़ाव हर व्यक्ति की ज़िंदगी में आते हैं, और लास्ट में कहा जो मैंने कि अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बूस्ट करना है। बाकी सब चीज़ों को तो डॉक्टर समीर छू पाए, मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ और चीज़ें आपको ऐड करता हूँ यहाँ पे कि कुछ दोस्त ऐसे होने चाहिए लाइफ में जिसके सामने आप अपनी सारी नेगेटिविटी भी रख सको और वो आपको उसको नेगेटिविटी का एहसास ना दे। माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट एक बार सुन रहा था मैं, उन्होंने बोला कि मेरे मित्र हुआ करते थे, सीनियर थे, उनके सामने मैं सारी मन की बात खोल के रख सकता हूँ। तो अगर कोई ऐसा रिश्ता जिंदगी में मिलता है तो आप उसको जरूर उसको याद रखना चाहिए, पूरी जिंदगी भर याद रखना चाहिए। ऐसे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं और डेली कम से कम कुछ टाइम ऐसे होना चाहिए जिसमें दिमाग में कोई एजेंडा ना हो और आप गपशप जिसको बोलते हैं ना वो आप कर सकें। तो और जो अच्छी चीज़ें होती है लाइफ, जब कभी भी मुश्किल वक्त आता है तो बहुत सारे अच्छे एग्जांपल जो अपनी ज़िंदगी में पुराने समय में हुए हैं उन सबको याद रखना चाहिए। कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जो है मेरे अगेंस्ट है या पूरी दुनिया नेगेटिव है, ऐसे विचार आते हैं हमको कई बार, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब मैं लाइफ के डिफ़िकल्ट टाइम में था तो मुझे कुछ एग्जाम्पल याद आते जो मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे लिए किए हुए थे। लास्ट में कोविड के समय में अपने अनुभव को, मैं डॉक्टर बन गया, चल रहा था काम, जिंदगी के उतार चढ़ाव में धीरे धीरे जिम्मेदारियां आती गई, एक हॉस्पिटल का संचालन करने का मौका मिला, उस पर भी बहुत सारे चैलेंज आते थे। तो कभी कभी ऐसा लगता था हॉस्पिटल भेज देता हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ, कहीं पर भी आराम से एक नौकरी करता हूँ, कहीं पर भी अच्छी नौकरी तो मिल जाएगी, डॉक्टर को मिलता है अनुभव है, हमेशा ये चीज़ आती रहती। लेकिन जब कोविड का टाइम आया और जिस तरह से पूरी टीम को लेके काम किया तो यकीन मानिए मेरे को ऐसा लगा कि भगवान ने मेरे को इस दिन के लिए पैदा किया था और लाइफ में जो कुछ भी स्ट्रेस दिया था उसने मेरे मेंटल स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रांग करने के लिए दिया था कि ये जब ये वाली सिचुएशन आए तो मैं उससे सही ढंग से कोप अप कर सकूँ और एक टीम को मोटिवेट कर सकूँ। और कोविड में काम करने के बाद जो लड़का सोचो कि बॉम्बे मूवी देखने चला गया था अपने नेगेटिव कॉल में काल में, और वही आज ये फील करता है कि नहीं उसने एक अच्छा काम किया ज़िंदगी में, उसका डॉक्टर बनना सफल हुआ। तो ये जर्नी होती है, आप एक ही स्टेज पे अपने आप को, एक स्टेज को लेके अपने आप को एक नेगेटिव नहीं सोचे। भगवान ने आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा जिंदगी में रखा है, ये मान के चलिए, आपको तभी इस पृथ्वी पे भेजा गया है। ठीक है, आप महाभारत देखे होंगे, बहुत सारे एग्जांपल होंगे, कृष्ण भगवान हर कैरेक्टर को पहले से तैयार किए थे क्योंकि उसका एक रोल होने वाला था वहां पे। आपने देखा होगा ना अभिमन्यु को पैदा करवाया भगवान ने, क्योंकि अगर अभिमन्यु नहीं होता तो उस समय पांडव युद्ध हार जाते। तो अभिमन्यु को ले भले ही मरने के लिए पैदा किया भगवान ने, लेकिन एक पर्पस के लिए पैदा किया। तो ये मान के चलिए आप लोगों को भगवान ने इस पृथ्वी पे भेजा है
और ये भी मान के चलिए कि जिस घर में भेजा है और जिस परिस्थिति में भेजा है उसका भी एक उद्देश्य है, वही आपके लिए परफेक्ट है, और मैं इसको अपनी जिंदगी से महसूस कर पाऊं इसलिए बता रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Such an inspiring story. Now I would like to call our Deputy Director, ma'am, Dr. Mamta Singh, ma'am, to say a few words. Very good evening to all you. Respected Dr. Sanjay Goyal sir, respected Samir sir, respected principal sir, respected madam, dear staff member and my dear students, आज आप सभी ने देखा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। एक भी बंदा पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में ऐसा नहीं है जिसे स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, उनका मैनेजमेंट अलग अलग हो सकता है, उनका लेवल अलग अलग हो सकता है। तो समीर सर ने बहुत ही अच्छे माध्यम से, अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से और सिंपल वे में, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स हैं, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, लाइफ को कैसे जीना है ये बताया। तो पूरे साई कॉलेज परिवार की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ कि आज इतने कीमती समय को उन्होंने हमारे बीच शेयर किया। सर ने बहुत सारी बातें बताई आपको जो रियल लाइफ से रिलेटेड है। जैसे हम सभी हमेशा फ्यूचर सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा हो, पर अपने प्रेजेंट को ध्यान नहीं देते। तो जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं जो मैच हमेशा देखते हैं, बहुत सुंदर बात कही उन्होंने कि वन डे मैच के लिए आप कोई टेस्ट मैच नहीं खेलिए, ना ही आप सोचिए कि हाँ 2020 या एक ड्यूरेशन का मैच नहीं। हर दिन आपके लिए कीमती है। अगर आपका हर दिन इम्पोर्टेंट होता जाए और वर्थफुल होता जाए तो लाइफ में ऐसा एक भी सिचुएशन नहीं आएगा जिसको आप झेल ना पाओ, है ना। हम क्या करते हैं, दिन हमारा बीतता जाता है। आप स्टूडेंट्स हैं, हमारे घर में भी बच्चे हैं, हम सिखाते हैं उनको कि कैसे आपको मैनेज करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है। पर क्या होता है, सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि अभी तो एग्जाम बहुत दिन है, अभी 6 मंथ है, 7 मंथ है, फिर 3, 2, 1, धीरे से एग्जाम 15 डेज रह जाता है, 10 डेज रह जाता है। और वही चीजें जो आपने स्टार्टिंग से अगर अपनी प्लान करके रखी होती तो आप एकदम एग्जाम के एक दिन पहले भी एकदम कंफर्ट होते, पांचों यूनिट आपका प्रिपेयर होता। बट मैक्सिमम 99% ऐसा नहीं हो पाता। बहुत कम बच्चे होते हैं जो पहले से प्रिपेयर करके रखें और वही टॉपर होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कोई स्ट्रेस होता नहीं उस समय, एकदम लाइटली जाते हैं और एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें एक कहानी भी मैं थोड़ा, अगर समय हो सर लोग इजाजत दें, तो एक माँ कैसे बच्चे को समझाती है, इस पर मैंने लेटेस्ट पे एक कहानी देखी। तो अभी हम लोग क्योंकि उस फेज से गुजर रहे हैं, मेरा बेटा भी 12th पास करके निकला है, तो मैं आप शेयर करना चाहूंगी आप सभी से। एक बार एक बच्चे ने मम्मी से कहा कि बहुत भूख लगी है। नहीं, पहले तो एक था कि माँ ने बोला पढ़ लो बेटा, बोला बहुत समय है फिर पढ़ लेंगे। फिर थोड़े दिन बाद मम्मी अभी 3 महीने है, फिर 1 महीने है। ठीक है, वो दिमाग में रहा। फिर बच्चे ने बोला मुझे भूख लगी है, खीर चाहिए मुझे। खीर बन गई, सामने टेबल पर आ गई। ठीक है, जैसे ही खाने आया हटा दिया गया, अभी नहीं, शाम को खाना, खेल कर आएगा तब दूंगी, जनरली होता है ना कि। फिर बच्चा शाम को खेल कर आया, मम्मी खीर चाहिए। फिर एक कटोरी खीर सामने आ गई। ठीक है, फिर हटा दी गई, नहीं अभी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट डे फिर से मम्मी ने अच्छी खीर, नई खीर बनाई, फिर बच्चे को नहीं दी। ऐसा करके 4 टाइम निकल गए और चारों कटोरी को सामने फिर रख दिया, बोला बेटा खा। तो उसने एक खीर जल्दी जल्दी खा ली अच्छे से, उसका फेवरेट था, दूसरी खीर भी खा ली, तीसरी खीर में तो उसका बिल्कुल भी एक चम्मच भी नहीं खा पाया बच्चा, चौथी तो आप पूछिए ही मत, हटा दिया, खराब है बहुत, मेरे को नहीं खानी है। तो बच्चे, माँ ने कहा बेटा जब 1 साल की पढ़ाई तू 6 दिन में नहीं कर सकता, ठीक है, तो 2 दिन की खीर, 1 दिन की खीर एक टाइम में कैसे खा सकता है ना।
तो उल्टा रिवर्स में बोलना चाहूंगी कि अगर आप दो टाइम की खीर नहीं खा सकते तो साल भर की पढ़ाई 365 दिन की पढ़ाई आप एक हफ्ते में 10 दिन में कैसे कर सकते हो। जनरली हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे, अभी भी कोई एग्जाम देते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि बहुत दिन बचा है, पर फाइनली वो एग्जाम सामने आ जाता है। तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये समझाना चाहिए कि आपको हर दिन इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और सर ने बहुत अच्छे माध्यम से इस चीज को बताया। डॉक्टर संजय गोयल सर का मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगी कि ना केवल आज आने के लिए, हमेशा हर समय कभी भी कोई दिक्कत होती है, चाहे वो आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड चीजें हो, चाहे जो भी चीजें हो, हमेशा साथ देते हैं और तुरंत रिस्पांस देते हैं। कोविड के समय जब इतने बिजी थे, सर ने बताया जैसे कि 12 बजे 1 बजे अपने घर जाते थे, फिर भी अगर कोई कॉल किया या मैसेज किया तो उसका रिस्पांस अगर तुरंत नहीं दे पाए तो 1 घंटे के अंदर रिस्पांस जरूर आता है। और कहीं ना कहीं हम सब यहाँ बैठे हैं उनकी बदौलत ही, मुझे भी कोरोना हुआ था और मैं घर में रह के सर्वाइव करी और बहुत अच्छे, कुछ भी दिक्कत मुझे नहीं आई। सुशील सर से भी सर ने डायरेक्टली बात किया था जब वो एडमिट थे, मैंने सर को बोला कि सुशील सर है, एक्चुअली मैं वहां डर गई थी, सुशील सर अपना फोन बंद कर दिए थे, बात करना बंद कर दिए थे और वो थोड़ा डर भी गए थे, उनकी पल्स रेट बढ़ गई थी। तो मैंने संजय सर को बोला कि सुशील जस्ट लाइक ब्रदर समान है, आप लोग एक फैमिली बोलते हैं ना साइकोलॉज को, तो बोले मेरे भाई के समान है, उसको कुछ होना नहीं चाहिए, आप देख लो। और संजय सर ने एकदम तुरंत रिस्पॉन्स दिया, उससे बात करी, बोले वैसे मैं संजय ही बोलती हूँ बट आप लोग के सामने संजय सर बोल रही हूँ। तो संजय ने तुरंत सर से बात किया, बोले नहीं उससे मेरे से जो बात किया उसके हिसाब से कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ भी तुमको लगता है तो मेरे हॉस्पिटल भेज देना। तो जब जहाँ बड़े बड़े लोगों को कोई बेड नहीं मिल रही थी, आपको सबको पता है, बच्चे नहीं हो आप लोग, आप सब फैमिली में देखे होगे, रिलेशन में देखे होगे, है ना, कि लोग एक बेड के लिए 2-2, 4-4 लाख रुपए दे रहे थे कि एडमिट कर लो हम आपके हॉस्पिटल में। उस समय ऐसा सपोर्ट तो हम उसको भूल नहीं सकते। और बहुत सारी चीजें सर ने अपने एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि 12th में क्या हुआ और किस अटेम्प्ट के बाद उन्होंने MBBS किया, और आज जो उन्होंने ख्याति प्राप्त करी और जो उनका नाम है, शायद फर्स्ट टॉपर जो उस समय का होगा उसका भी इतना नाम नहीं होगा, क्योंकि आपके प्रोफेशन के तौर पे तो लोग आपको जानते हैं, पर आपका अगर हार्ट क्लियर है और आप सोसाइटी के लिए सोचते हो, मैं ये नहीं बोलती कि टोटल आप एकदम डेडिकेटेड हो जाओ, समर्पित हो जाओ, पर प्रोफेशन के साथ साथ अगर हम सोसाइटी के लिए भी सोचते हैं ना, तो वो चीजें काउंट करती है हमारे लाइफ में, और वही आपको ये स्ट्रेस से भी बचाती है। अगर सारा चीज हम मैं करें ना, तो वह कुछ भी चीज ऐसा नहीं जो आप हम लेके जाएंगे, हम सोसाइटी को अगर दे के जाएंगे, हमारे पास कुछ चीज है, अगर हम शेयर करते हैं तो शेयर करने से पहले हमको जरूर लगता है अरे करें ना करें, कुछ भी सोचो, आप बच्चे हो ना, जैसे आपके पास 100 रुपए रहता है, 4 दोस्त रहते हैं ना, अपन जाते हैं रेस्टोरेंट, अरे मेरे पास 100 ही है, चौथा भी आ गया, कैसे शेयर होगा, कैसे खाएंगे। पर आप अगर 20-20 रुपए का भी कुछ नाश्ता करते हो और बाहर जब निकलते हो तो आपको एक अलग फील होता है कि हाँ मेरे आज 100 रुपीज में मैंने 4 दोस्तों को नाश्ता कराया, या किसी की जरूरत चीजों को मैंने परचेस करके दिया, उसके काम आया। लाइफ में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है और यही आपको स्ट्रेस से बताती है, बचाती है। फाइनली जब आप सोने जाते हो तो आप दिन भर की एक्टिविटी देखोगे, अगर आपने किसी को हर्ट किया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी को बुरा बोला है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वही आप दिन रियलाइज करेंगे कि आज मैंने दिन में क्या क्या किया, कुछ अच्छा काम अगर आपने किया है ना, तो आपको बहुत प्राउड फील होगा कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था, आज वर्थफुल डे था मेरा। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम समय समय पर आपके लिए वर्कशॉप कराते हैं, इस वर्कशॉप को तो अटेंड करना ही, लाइफ में कुछ नियम को फॉलो करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। पुनः मैं पूरे साई कॉलेज परिवार की ओर से स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर और डायरेक्टर सर, डॉक्टर समीर सर, मैडम खटाले, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार प्रकट करती हूँ। आपका साथ हमें हमेशा बना रहे यही उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद। बस एक मोमेंट, मोमेंट।